धनिया की पंजीरी, उसके बाद पंचामृत, ये पांच चीज़ों से बनाया गया है। उसके बाद मखाने की खीर और लास्ट में माखन मिश्री, कृष्णा की फेवरेट। तो ये हमारी कृष्ण कन्हैया के भोग की थाली तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी पर कृष्णा के लिए भोग बनाकर तैयार करेंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कृष्णा का भोग बनाने के लिए मैंने इसमें 4 चम्मच घी डाला और मखाने डाल दिए, और हम इसे कम आंच पर इनको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से सेककर तैयार कर लेंगे मखानों को। और मैं इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को, मखाने, काजू, बादाम, पिस्ते, इन सब को इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम कृष्णा की भोग बनाएंगे। ये हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं। मैंने सभी मखानों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैं इसमें फिर से घी डालूंगी, लगभग 5 चम्मच, क्योंकि मैं सभी ड्राई फ्रूट्स को अब इस पर फ्राई करूंगी, इसलिए थोड़ा सा घी भी ज़्यादा लेना, यदि कम रहा तो हम और डाल सकते हैं। घी मेरा गरम था। अब मैं इसमें काजू 1 कटोरी, पिस्ते 1/4 कटोरी और बादाम 1/2 कटोरी, इन सब को फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से चलाते हुए मैं इन सब को फ्राई कर लूँगी। मेरे सभी ड्राई फ्रूट्स सिक चुके हैं, हल्का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से तल लिया है, फ्राई कर लिया है और इनको एक कटोरी में निकाल लिया है। अब मैं नारियल का बुरादा, इसको भी हल्का भून लूँगी। जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसमें घी बच गया था, तो इसमें ही मैं इनको भी सिम आँच पर, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें सिम आँच पर ही सेकना है, तेज पर नहीं, नहीं तो जल जाएंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको भी मैं हल्का कलर चेंज होने तक सेक लूँगा। नारियल बुरादा भी हमारा सिक चुका है, इसको बिल्कुल हल्का सेकना था। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। मैंने नारियल को भी एक कटोरी में निकाल लिया है भूनकर, और इसी तरीके से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्सों को भूनकर निकाल लिया है। अब हम कृष्णा का भोग बनाना शुरू करते हैं। कृष्णा का भोग बनाने के लिए मैंने उसी पैन में मैं फिर से घी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट सेके थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें ही कोई 4-5 चम्मच घी डाल दूँगी, इस साइज़ की चम्मच है, और मैंने 1/2 कटोरी साबुत धनिया से ये पीस कर धनिया तैयार किया था, धनिया पाउडर, और इसे मैंने छान कर ले लिया है। अब मैं इसको इसमें सेक लूँगी। इसको इसी तरीके से मैं चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक सेक लूँ। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का कलर चेंज करना है, क्योंकि कृष्णा के भोग में सिंपल पंजीरी यूज में नहीं लेते, धनिया की पंजीरी ही यूज में लेते हैं, आटे की पंजीरी का भोग नहीं लगाया जाता। तो इस तरह से हम सेकते हुए इसको, धनिया की पंजीरी को अच्छे से भून लेंगे। हमारे धनिया पाउडर का हल्का कलर चेंज हो चुका है, मतलब ये सिक चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी
और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने सिके हुए धनिया पाउडर को एक कटोरी में निकाल लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। धनिया की पंजीरी के लिए हमारा धनिया पाउडर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको इस थोड़े बड़े बर्तन में डाल देती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ें डालकर। मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है भुना हुआ, एक कटोरी नारियल बुरादा ये भी भुना हुआ था, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मखाने भुने हुए और टुकड़े किए हुए। और इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी शुगर पाउडर, आप बूरा भी ले सकते हो इसकी जगह, इसको भी हमें इसमें डाल देंगे। मीठा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, यदि आप कम पसंद करते हो तो कम डाल सकते हो। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी तरीके से। कृष्णा के भोग के लिए धनिया की पंजूरी बहुत ज़रूरी होती है, इसको खास तौर पर यूज में लिया जाता है सभी जगह पूरे भारत में, ना कि आटे की पंजूरी। इसे हम सागार के रूप में यूज में लेते हैं। इसको हमें इसी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से चलाते हुए। और हमारी धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। कृष्णा के भोग की धनिया पंजीरी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी पंजीरी बनी है। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हो आप आवश्यकता अनुसार। अब हम इसको साइड में कर दें। अब हम बनाएंगे पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने 1/2 कटोरी दूध ले लिया है और इस दूध को हम दूसरी कटोरी में डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे चम्मच की सहायता से थोड़ा सा चला देंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। आप शुगर पाउडर की जगह बूरा भी ले सकते हो। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस शुगर पाउडर मैंने इलायची वाली कटोरी में डाल दिया था तो उसका दाना आ गया इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें थोड़ी देर लगातार चलाते हुए मिक्स करना है जिससे ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें शुगर पाउडर मिक्स होने के बाद अब हम इसमें मखाने डाल देंगे। थोड़े से मखाने लिए थे मैंने 2-3 चम्मच, उनको भी मिक्स कर देंगे। और मखानों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच शहद, पंचामृत बनाने में शहद ज़रूर काम में लेते हैं, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की सहायता से। पंचामृत में शहद मिक्स होने के बाद अब हम इसमें दही, मैंने इस दही को अच्छे से फेंट लिया था और ताज़ा दही लिया है, खट्टा नहीं होना चाहिए, इसको भी हम इसमें डाल देंगे 4-5 चम्मच दही। और इसको डालने के बाद हम इसको पहले की तरह ही और चीज़ों की तरह ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से चलाते हुए। दही को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तुलसी के 5-6 पत्ते, इनको मैंने तोड़ कर ले लिया था, इनको भी इसमें हम डाल देंगे और इनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पंचामृत बनकर
तैयार है। पंचामृत में आप गंगा जल भी डाल सकते हो यदि आपके पास हो तो देखिए कितना अच्छा पंचामृत बनकर तैयार हो। हम इसमें ज़्यादा पानी आने नहीं डालेंगे, इस तरीके का ही रखेंगे। ये खाने में अच्छा लगेगा, प्रसाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बनाएंगे माखन मिश्री। तो मैंने मक्खन और मिश्री को इस तरह से एक साथ एक जगह डाल दिया है और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और माखन मिश्री का भोग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना है। माखन मिश्री कृष्णा का फेवरेट प्रसाद है और ये जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाना चाहिए और कृष्णा को इससे भोग लगाना चाहिए। तो ये हमारा माखन मिश्री बनकर तैयार है। अब हम कृष्ण भगवान के भोग के लिए एक थाली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी धनिया पंजीरी, उसके बाद एक कटोरी पंचामृत, उसके बाद एक कटोरी मखाने की खीर। मखाने की खीर की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, इसकी लिंक दे रखी है मैंने कैसे बनाते हैं। इसके बाद एक कटोरी माखन मिश्री। तो ये हमारी कृष्णा के भोग की थाली बनकर तैयार। आप भी इस तरीके से बनाइए और हमें बताइए कि कैसा बनाए। यदि आपको कृष्णा के भोग के लिए प्रसाद वाली थाली पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।